सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आरपी दिवाच, हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आया हूँ 1 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। गाइज, आपको बता दूँ, हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर मैराथन क्लास कंटिन्यू जारी है, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2023 तक के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन सूजस से उठाए गए हैं और सूजस का हर डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में महिला मतदाताओं द्वारा सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा में किया गया? पोकरण, कुशलगढ़, आहोर, जोधपुर। अगर कुल मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जो मतदान था वो कुशलगढ़ में किया गया था, 88.13%। लेकिन इसमें पूछा गया है महिला मतदाताओं द्वारा सर्वाधिक मतदान वो किया गया है पोकरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पोकरण में महिलाओं द्वारा 88.23% मतदान किया गया है। दो नंबर पर रहा है महिला मतदाताओं में कुशलगढ़। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में महिला मतदाताओं द्वारा सबसे कम मतदान किस विधानसभा में किया गया? पोकरण, कुशलगढ़, आहोर, जोधपुर। अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो सबसे कम मतदान किया गया था आहोर विधानसभा में, जहां 61.24% मतदान किया गया था। यहां पूछा गया है महिला मतदाताओं में सबसे कम रहा है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में महिलाओं ने मतदान किया है 62.97%। रट लेना ये सभी डाटा। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान वाला संभाग है कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। देखिए, राजस्थान में कुल 3.92 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, ये डाटा भी याद रखना है आपको। और थर्ड जेंडर ३४८ ने मतदान किया है, इसका उत्तर होगा कोटा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे जिला पूछ लिया जाए तो जिला होगा सर्वाधिक मतदान वाला जिला तो जैसलमेर। ये आपको पूर्व में भी एक वीडियो द्वारा करवाए जा चुके हैं, तो मैं समझता नहीं कि यहाँ उनको रिवीजन किया जाए। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन में सक्सेस होना है तो हर मिनट का सदुपयोग करना आवश्यक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, वोटेथॉन क्या है? ये देखिए, वोटेथॉन क्या है? राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, एफएम रेडियो चैनल पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, टेलीविजन पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। ये भारत निर्वाचन आयोग के राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के निर्देश पे चलाया गया था, एफएम रेडियो चैनल पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। ये 72 घंटे तक चलाया गया था। एक और गजब का क्वेश्चन,
और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे हैं? देखो, ऑल ओवर की बात की जाए तो जो महिलाएं हैं वो मतदान में आगे रही हैं। महिलाओं का रहा है 74.72% और पुरुषों का रहा था 74.53%। लेकिन इसमें पूछा गया है कितनी विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही हैं। 199 पे मतदान हुआ है, 88 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कथन सही है या असत्य को छांटिए, इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कितना रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों का पूछा गया है और आपको मैं बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से ज़्यादा मतदान हुआ है, शहरों से ज़्यादा मतदान। तो ये आपको कथन सत्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। 75.68%, 80%, 75.45%, 84.25%। तो देखिए, गांव में रहा है 75.68%, ऑप्शन नंबर ए, जबकि कुल मतदान कितना रहा है 75.45, उससे भी आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर क्वेश्चन को और टफ बनाना हो तो इस प्रकार बनाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान से कितना अधिक मतदान हुआ है। तो आपको 75.68 में से 75.45 माइनस कर देना है। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहना है और जो पेपर सेटर है उसके माइंड को पहले ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से जिन्होंने आईएएस यूपीएससी क्रैक किया है उन्होंने कहा है कि हम पहले ही जो पेपर बनाने वाला होता है उसके माइंड को रीड कर लेते हैं। तो आप भी वो क्षमता डेवलप कीजिए अपने में कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रूमा देवी, कृति भारती, सजना मजल, उपयुक्त सभी। रूमा देवी ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में रूमा देवी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रूमा देवी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक और गजब का क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बना हुआ है, कई संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है ये क्वेश्चन। राजस्थान में पहली समलैंगिक शादी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भारत में तो समलैंगिक शादी है, वो क्या है, बैन है, फिर ये कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें दो लड़कों ने आपस में शादी रचाई है, ये हुई है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये उदयपुर को उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुना है, ये है अमेरिका के रहने वाले एनआरआई, अमेरिका के रहने वाले हैं, एनआरआई हैं।
उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उदयपुर को चुना है, ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। उदयपुर की एक प्रसिद्ध होटल में उन्होंने ये आयोजन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारी मेहनत पसंद आए, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।